31 मई को मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुनंत उर्फ के इस दुनिया को अलविदा कह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता के नजरुल मंच में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने गए के ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें होटल वापस ले जाया गया जहां वे कोलैप्स हो गए। जब उन्हें कोलकाता के CMRI अस्पताल ले जाया गया तो वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अब केके का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने PTI से बातचीत में बताया कि केके के दिल में कई ब्लॉकेज थे। उन्होंने बताया केके के दिल की बाएं मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था और दूसरी धमनियों में कुछ छोटे छोटे ब्लॉकेज थे। लाइव शो के दौरान अत्यधिक एक्साइटमेंट की वजह से खून का बहाव रुक गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से केके की जान चली गई। उनकी बाएं मुख्य धमनी में 80% ब्लॉकेज था, लेकिन किसी भी धमनी में 100% ब्लॉकेज नहीं था। अगर उन्हें समय पर CPR दिया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। आपको बता दें, केके का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा हिंदू शमशान घाट में किया गया। यहां उनके अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने बॉलीवुड से भी कई लोग पहुंचे। केके के परिवार में उनकी पत्नी ज्योति, बेटा नकुल और बेटी तमारा है।